हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह। आज आपके लिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक लास्ट चैप्टर है छोटा सा, जिसका नाम है फाइनाइट ऑटोमाटा। फाइनाइट ऑटोमाटा एक डिवाइस होती है, कहने का मतलब एक मशीन होती है जिसके अंदर इनपुट होता है, आउटपुट होता है, और जहां फंक्शन इकट्ठे होते हैं उसे हम स्टेट बोलते हैं। उसके अंदर काफ़ी स्टेट होते हैं, इनिशियल स्टेट होता है। उसको जब हम फंक्शन के अकॉर्डिंग आउट में भेजते हैं तो उसे हम ट्रांजेक्शन फंक्शन कहते हैं। तो आज हम बेसिक से बताएंगे, डेफिनेशन से, क्योंकि एग्जाम के तौर पे बताना है, पेपर में आप कैसे करेंगे, तो बेसिक लेके चलेंगे जीरो लेवल से, जो हर पॉइंट समझ में आए। क्लियर? तो चलिए पहले हम बताते हैं फाइनाइट ऑटोमाटा की डेफिनेशन क्या है। देखिए, फाइनाइट ऑटोमाटा, इसे शॉर्ट में हम फाइनाइट ऑटोमाटा को एफ ए भी बोल देते हैं। क्लियर? अब इसकी डेफिनेशन देखिए। फाइनाइट ऑटोमाटा इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग डिवाइस ये एक कंप्यूटर डिवाइस होती है। चलिए, इट इज ए मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ए सिस्टम विद डिस्क्रीट, क्या क्या होते हैं इसके अंदर, इनपुट, आउटपुट और स्टेट एंड सेट ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, तो ये जो फाइनाइट ऑटोमाटा डिवाइस होती है इसके अंदर इनपुट होता है, आउटपुट होता है, स्टेज होता है, स्टेट, और ट्रांजेक्शन होता है जिसके द्वारा हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजते हैं। क्लियर? आइए अभी कुछ और रह गया है, वो भी लिखते हैं। ए फाइनाइट स्टेट मशीन जिसे हम कैपिटल एम से डिनोटेट करेंगे। ये जो स्टेट मशीन है इसके अंदर कितने पार्ट होते हैं और वो पार्ट कौन कौन से होते हैं, पहले उन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए। एम कॉन्सिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, वो पार्ट कौन कौन से हैं, काउंट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम क्या लिखते हैं, इस मशीन के अंदर जो पहला पार्ट है वो क्या है, ए फाइनाइट सेट, जो ए होता है, और क्या काम करता है ये, ऑफ इनपुट सिंबल। तो सबसे पहले इनपुट का काम होता है जिसके अंदर सिंबल हम लिखेंगे, दो होंगे, ए स्मॉल और स्मॉल बी होंगे। ठीक है, दूसरा काम, दूसरा पार्ट क्या होता है इसका, ए फाइनाइट सेट, ओ, ये होता है आउटपुट, सिंबल। ट्रांजेक्शन के द्वारा ये बाहर दूसरे स्टेट पर जाएगा, उसे हम कहते हैं आउटपुट। इसके अंदर एक्स वाई जेड होते हैं स्मॉल में। मैं आगे लिखूंगा इसके अंदर क्या क्या होता है। तीसरा पार्ट देखिए, ए फाइनाइट सेट, एस, और ये होता है ऑफ स्टेट्स। जितने भी इसके अंदर स्टेट्स होंगे उन्हें हम कैपिटल एस से डिनोटेड करते हैं। इसके अंदर एस नॉट इनिशियल स्टेट होगा, एस नॉट, एस वन, एस टू, एस थ्री, फाइनाइट होंगे कितने भी हों। ठीक है, फोर्थ पार्ट इसका क्या कहता है,
ए नेस्ट स्टेट फंक्शन, इसको हम ट्रांजेक्शन भी कह सकते हैं, ट्रांजेक्शन फंक्शन। और ट्रांजेक्शन फंक्शन कैसे बनता है? ऐसे बनता है, ये फंक्शन है स्टेट से इनटू के द्वारा गया दूसरे स्टेट पर, फंक्शन एक स्टेट से इनटू के अकॉर्डिंग, ए सेट है इसमें इनटू होते हैं इनपुट, इनपुट के अकॉर्डिंग दूसरे स्टेट में गया, ठीक है। आइए फाइव इसके अंदर होता है एन आउटपुट फंक्शन, आउटपुट फंक्शन को हम जी से डिनोटेड करेंगे, किससे डिनोटेड करेंगे, जी से। और ये क्या होगा, फ्रॉम एस इनपुट होगा इसमें ए और ये ओ को ही जाएगा, दैट इज इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं इस प्रकार, जी फ्रॉम स्टेट से इनपुट के द्वारा कहां पहुंचेगा, आउटपुट स्टेट पर, आउटपुट स्टेट पर। आइए इसके अंदर सिक्स वाला पार्ट देखते हैं, एन इनिशियल स्टेट होता है इसके अंदर, इनिशियल स्टेट, और इनिशियल स्टेट जो होता है वो एस नॉट होता है, और ये किसका पार्ट है, स्टेट का, जो कि बिलोंग करेगा स्टेट में। इस प्रकार इस मशीन के अंदर कितने पार्ट हुए, एक लाइन और लिख देते हैं, सच ए मशीन इज रिटन कैपिटल एम, वेयर जो कैपिटल एम है उसके अंदर कितने पार्ट हैं, सबसे पहले ए पार्ट है जो इनपुट का काम करेगा, दूसरे नंबर पर ओ है जो आउटपुट का काम करेगा, तीसरे नंबर पर एस है जो स्टेट का काम करेगा, चौथे नंबर पर ये फंक्शन है जिसे हम ट्रांजेक्शन भी कहते हैं, और पांचवे नंबर पर आउटपुट का फंक्शन है जी, और छठे नंबर पर आपका इनिशियल स्टेट होगा। ये इतने पार्ट एक कंप्यूटिंग मशीन है जिसका नाम रख दिया फाइनाइट ऑटोमाटा, जिसके अंदर ये सारे पार्ट अपनी अपनी अलग अलग भूमिका निभाते हैं। आगे देखिए, अभी मैं और लेके चल रहा हूं जीरो लेवल से, एक एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं हम कुछ बातें, द फॉलोइंग डिफाइन ए फाइनाइट स्टेट मशीन, स्टेट मशीन कैपिटल एम, कैपिटल एम से डिनोटेड करते हैं, विद टू इनपुट सिंबल, विद टू इनपुट सिंबल, दो इनपुट सिंबल होंगे, मैं बता रहा हूं स्मॉल ए और स्मॉल बी, दे आर इंटरनल स्टेट एंड थ्री आउटपुट सिंबल, आउटपुट सिंबल कौन कौन से होंगे, फर्स्ट पार्ट में ए के लिए आंसर इसके बता रहे हैं तो दो ही इनपुट होते हैं ए और बी, दूसरे पार्ट के लिए लेते हैं नंबर दो में हम स्टेट, स्टेट में यहां काफी हो सकते हैं लेकिन मैं तीन लिख रहा हूं, एस नॉट, एस वन और एस टू। तीसरे पार्ट में आउटपुट होगा जिसमें मैंने बताया था एक्स वाई जेड, और चौथे पार्ट के लिए इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट वो क्या होता है, एस नॉट, क्लियर। और पांचवें पार्ट में नेक्स्ट स्टेट फंक्शन बनता है, नेक्स्ट स्टेट फंक्शन बनता है जो होता है एफ सच दैट एस इनपुट ए और सेकंड स्टेट पर पहुंच गया। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, यहां तो मैं लिख रहा हूं लेकिन जो आंसर आएंगे वो टेबल के अकॉर्डिंग, इसके अंदर टू टाइप के क्वेश्चन होंगे, टेबल बनी होगी उससे आपको डायग्राम बनाना है,
और डायग्राम बना होगा तो उससे आपको टेबल बनानी है। तो करेक्ट वैल्यू तो टेबल और डायग्राम के अकॉर्डिंग आएंगे, लेकिन किस टाइप के आएंगे वो बता रहा हूं। एंड डिफाइन एज जैसे मैंने ले लिया ये फंक्शन, इनिशियल स्टेट इनपुट इसमें लगा ए, पहुंच गया ये एस वन स्टेट पर। दूसरा फंक्शन लेते हैं एफ, यहां पर एस वन से चला स्टार्ट हुआ, इनपुट लगा ए, मैंने कह दिया ये एस टू स्टेट पर गया। और लेते हैं एफ, एस टू स्टेट पर ए इनपुट लगा और ये फिर पहुंच गया इनिशियल पर। अब बी के लिए लेते हैं, क्योंकि इनपुट में ए और बी, तो दो बी के लिए दिखा देते हैं। एफ एस नॉट स्टेट इनपुट गया बी, पहुंच गया एस वन पर। दूसरा एस वन स्टेट इनपुट हुआ बी, पहुंच गया एस टू पर। इतना ही बहुत है। अब इसमें छठा फंक्शन भी आता है। अब आउटपुट के लिए देखिए, जो मैंने यहां बताया था जी, इसमें लिखा है कहीं ये वाला जी पार्ट देख लीजिए, जो आउटपुट के लिए है, ये वाले आउटपुट के लिए क्या होगा, ये रहा जी, इसके लिए। और देखिए यहां बनता है ऐसे ही, जो दूसरा फंक्शन है जी सच दैट एस इंटू ए, और ये किस पर गया, ओ पर। एंड डिफाइन एज, इसे हम डिफाइन करेंगे, इसके लिए भी लिखे देता हूं एस नॉट ए इनपुट, ये बन गया एक्स, क्योंकि आउटपुट में मैंने एक्स वाई जेड बताए थे आपको। और लेते हैं जी एस वन ए, ये पहुंच गया वाई पर। जी हमने ले लिया एस टू ए, ये पहुंच गया जेड पर। जी एस नॉट बी, ये पहुंच गया एस टू पर। और जी एस वन बी, ये पहुंच के क्या लिख दिया, जेड वाई लिख दीजिए, और यहां जेड। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन। अब मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा सिंपल वे में, जिससे हमें ये एहसास होगा कि ए के इनपुट कहाँ होते हैं, आउटपुट क्या होते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, जीरो लेवल से। टू टाइप के क्वेश्चन है यहां पर, टेबल होगी तो डायग्राम बनाना होगा और डायग्राम से हमें टेबल बनानी होगी, और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर मजा आया हो, हर बात समझ में आई हो, तो प्लीज अपने एक फ्रेंड को जरूर शेयर करना। और क्लियर ये तब होगी जब मैं आपको एग्जाम्पल और क्वेश्चन दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।